ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आईएमटी माइकोबैक्टीरियल करा दी हैं और यूं हमने केमो के तकरीबन तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सेल वॉल इनहिबिटर, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीवायरल भी और एंटी माइकोबैक्टीरियल भी इंपॉर्टेंट है। आज हम चौथा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें से पूछते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेके, इसमें से एमसीक्यू पूछते हैं और ये चैप्टर है हमारे पास एंटी फंगल। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटी फंगल जो है वो हम पढ़ेंगे। सो एंटी फंगल में हमने ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जिन्हें यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फंगस की बॉडी के अंदर या हमारी, क्योंकि ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन और सिस्टेमिक दोनों कॉज करती हैं, तो फंजाई की जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर, हम उसको क्या करें, इनहिबिट कर सकें। ठीक है, और ये जो फंगस हैं, ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं फंजाई की वजह से, जो इन्फेक्शन होते हैं इन इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइकोसिस। ठीक है, अब ये जो माइकोसिस है ये सिस्टेमिकली भी हो सकती है, यानी बॉडी के अंदर भी होती है। ठीक है, और ये क्यूटेनियस भी होती है, यानी ये सुपरफिशियल स्किन को, नेल्स को और हेयर्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्यूटेनियस अगर होती है तो फिर इसमें कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स हमने यूज करनी है, एक पूरा टॉपिक है। और सिस्टेमिक या सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए जो यूज हो रही हैं वो भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों आपको पहले फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर पे किस तरह से जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो एक्ट करती हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक है यानी प्रॉपर इनका न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। और अगर आपको एफएससी से थोड़ा सा याद हो तो इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई होती है, काफी रिजिड होती है। ठीक है जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो सेल वॉल है उसकी तो हमने बात कर ली कि वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। सेल वॉल के अलावा इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में भी आपने याद रखना है, क्योंकि अभी हम ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, ये जो काइटिन है इसमें भी अगर याद रख लो कि बीटा ग्लूकेन यूनिट्स होते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम ड्रग्स पढ़ेंगे ऐसी ड्रग जो बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज को इनहिबिट करके इसकी सिंथेसिस नहीं होने देती और हेंस वो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देती, तो इसमें बीटा ग्लूकेन यूनिट्स होते हैं सेल वॉल के अंदर। और अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो जिस तरह से ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसी तरह फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा अर्गस्टेरॉल होता है। ठीक है, अर्गोस्टेरॉल कह लो या अर्गस्टेरॉल जो है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। सो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, अर्गस्टेरॉल होता है। अब हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे जो अर्गस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। यूं वो जो ड्रग्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ऑल्टर कर रही हैं, इसको इफेक्ट कर रही हैं, और कुछ ऐसी होंगी जो सेल वॉल को ऑल्टर करती हैं। ठीक है, माइकोसिस का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपिंग पास्ट ईयर्स में हमने देखा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है माइकोसिस का रिस्क। और माइकोसिस जो है वो ज्यादा किस स्पीशी की वजह से हो रही है, कैंडिडा एल्बिकेन से। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेन से बहुत ज्यादा हो रही है। कैलडेडिमा जो है वो बहुत ज्यादा प्रीवियसली देखा गया और ये उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हुआ हो या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जो एचआईवी वगैरह के पेशेंट्स हैं। तो अभी तक हमने कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात तो खैर नहीं पढ़ी, लेकिन हमने ये पढ़ लिया कि जो फंजाई हैं इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोसिस। और ये माइकोसिस जो है बहुत ज्यादा होती जा रही है। ये माइकोसिस क्यूटेनियस भी हो सकती है, यानी आपकी सुपरफिशियल स्किन को, नेल्स वगैरह को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये सब क्यूटेनियस या सिस्टेमिक भी हो सकती है, यानी बॉडी के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी, मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात की है, तो स्ट्रक्चर के बारे में ये बात की कि इसके पास सबसे आउटरली क्या होती है, सेल वॉल होती है जो कि किससे बनी होती है, काइटिन से। और उसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, बीटा ग्लूकेन सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और हमने कहा इसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कौन है, अर्गस्टेरॉल है। ठीक है, अर्गस्टेरॉल है। अब मैं आपके साथ इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करती हूँ, थोड़ी सी आपको और समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो है, अगर ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, तो हमने ऐसी ड्रग्स देखनी है जो कि क्या कर रही है, इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे अंदर क्या आ जाती है, सेल वॉल की बिल्कुल साथ ही होती है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है।
ठीक है, सेल वॉल है और फिर सेल मेम्ब्रेन है. सो नंबर वन पे हमारे पास इसकी सेल वॉल है. हमने ऐसी ड्रग्स देखनी है जो इसकी वॉल की सिंथेसिस को इन्फेक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है. देन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. सो ऐसी ड्रग्स देखेंगे जो कि क्या कर रही है, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस और परमिएबिलिटी को ऑल्टर कर रही है. ठीक है जी. थर्ड नंबर पे यहाँ पे पड़े हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस को या इनको डिस्ट्रप्ट कर देती हैं. और माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होंगे तो आपको पता है माइटोसिस ही नहीं होगी. माइटोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है सेल की डुप्लीकेशन के लिए. सो सेल डुप्लीकेट ही नहीं होगा. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स मौजूद हैं. देन हम बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है. तो कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. सही है. सबसे पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड, ये तीन है. उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर भी मौजूद है. और यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस. सो राइबोसोम के ऊपर भी कुछ एंटी फंगल ड्रग इफेक्ट करती हैं और फंजाई की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. अब मैं बारी बारी आप लोगों को लिखवाती हूं. यहां पे नंबर वन पे मैंने कहा ऐसी होंगी जो कि आउटर से अंदर जाओ, ठीक है. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, राइबोसोम, न्यूक्लियाई को इफेक्ट करेंगी. सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी. अब सिर्फ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आता है ना, इनका मोर देन एनफ है, ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस के साथ डील करती हैं या उसको इनहिबिट करती हैं. तो इनमें हमारे पास आती हैं इकाइनोकैंडेंस, ठीक है. इनमें कौन आती हैं, इकाइनोकैंडेंस. और इन इकाइनोकैंडेंस के अंदर फर्दर दो ड्रग्स आती हैं हमारे पास और उनका नाम है कैस्पोफंगिन और मीकाफंगिन, ठीक है. आगे अभी हम इनके सारे डिटेल पढ़ेंगे. कैस्पोफंगिन और मीकाफंगिन, कैस्पोफंगिन एंड मीकाफंगिन, ठीक है. ये पहली ड्रग्स हैं और ये क्या करेंगी, ये इनहिबिट कर देती हैं बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज को. बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज को जब ये इनहिबिट करती हैं तो ये क्या कर देती हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी. और जब सेल वॉल नहीं होगी तो वो वीकन हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स आ गई, जो कौन है, इकाइनोकैंडेंस है, ठीक है. अब दूसरी बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन वाली, और इम्पोर्टेंट भी यही है. अगर आपका एमसीक्यू आएगा तो यहां से आएगा, वरना एमसीक्यू जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आते रहते हैं. अच्छा, अब हमने ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट वेज में इफेक्ट करेंगी, ठीक है. क्या करेंगी, सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेंगी, सही है जी. अब इसके अंदर फर्दर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तीन ग्रुप्स के अंदर. ये फर्दर तीन तरह की हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंट वेज में इफेक्ट करेंगी. पहली दो जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस ही नहीं होने देती, और तीसरी वाली क्या है कि वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हुई भी होती है वो उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देती है. सो तीसरी जो ड्रग है उसकी जरा हम पहले बात कर लेते हैं. उनको हम कहते हैं पॉलीइन्स. क्या कहते हैं इनको, पॉलीइन्स कहते हैं. और ये क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है और मैंने बताया इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, एर्गेस्टेरॉल होते हैं, एर्गेस्टेरॉल, ठीक है. अब ये जो पॉलीइन ड्रग है, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट एजेंट आ जाता है वो है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है. और ये एम्फोटेरिसिन बी सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ यहां से ही आएगा, क्या है एम्फोटेरिसिन बी. ये एम्फोटेरिसिन बी जब हम देते हैं तो ये क्या करती हैं, ये बेसिकली कंबाइन करके दी जाती हैं, ठीक है. जब हम इसको देते हैं तो ये जहां पे जाके क्या करती हैं, अटैच होती हैं. और अटैच होके ना ये यूं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. जब ये यूं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो ये यहाँ पे एक पोर क्रिएट करवा देती हैं, समझ आ रही है. ये यूं जाके लगती हैं और वहां से यूं करके ये जब मूव करती हैं तो ये इसको इम्पार्ट कर देती हैं. यहां बीच में क्या क्रिएट कर देती हैं, आर्टिफिशियल पोर क्रिएट कर देती हैं, ठीक है. अब उस पोर से क्या होगा कि उस सेल के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट मटीरियल है वो लीक आउट कर जाएगा और प्रोटीन सारे और एसेंशियल कंपोनेंट लीक आउट कर जाएगा और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है. खैर अभी मैं इसको अलग अलग जो है वो एक्सप्लेन आगे जाके करूंगी, लेकिन आपने इतना याद रखना है पॉलीइन्स जो इसके अंदर कौन सी ड्रग आ जाती है, एम्फोटेरिसिन बी. और ये एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर करती है, क्योंकि ये वहां पे पोर्स क्रिएट करती है और उन पोर्स से जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो लीक आउट कर जाते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है. दूसरी बात ये है, यहीं पे एक चीज समझ लो, वैसे आगे मैं दोबारा भी समझाऊंगी, कि नॉर्मली हमारे पास क्या है, स्क्वालीन होता है,
ठीक है, ये स्क्वालीन जो है ये कन्वर्ट होता है स्क्वालीन एपॉक्साइड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, स्क्वालीन एपॉक्साइड में, और एपॉक्साइड फर्दर आगे कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरॉल में, ठीक है, लेनोस्टिरॉल में, और लेनोस्टिरॉल से आगे हमारे पास बनता है अर्गोस्टेरॉल। क्या बनता है, अर्गस्टेरॉल या अर्गोस्टेरॉल, जो भी इसका सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट है। यहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास 14 अल्फा डी मिथाइलेज, यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है स्क्वालीन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, क्या यूज होता है, स्क्वालीन हाइड्रोक्सीलेज, हाँ यहाँ पे यूज होता है स्क्वालीन हाइड्रोक्सीलेज, और क्या बनता है हमारे पास एपॉक्साइड, एपॉक्साइड लेनोक्सीलेज में, लेनोस्टिरॉल में कन्वर्ट होता है, और लेनोस्टिरॉल आगे अर्गस्टिरॉल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता है, अर्गस्टिरॉल बनता है और ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, फंजाई की सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। अब क्या है कि हमने क्या देनी है, ड्रग्स देनी है, और वो ड्रग्स जो है वो यहाँ पे दो तरह की ड्रग्स हैं, एक ड्रग है हमारे पास टर्बिनाफाइन, ठीक है, एक ड्रग है टर्बिनाफाइन, और दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो आती है यहाँ पे वो है एजोल्स। अब एजोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये दोनों सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को अल्टर करती हैं, कैसे, टर्बिनाफाइन जो है वो यहाँ पे ब्लॉक डाल देती है स्क्वालीन हाइड्रोक्सीलेज को इनहिबिट करती है, जबकि एजोल्स यहाँ पे ब्लॉक डाल देते हैं, ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर देते हैं, अर्गस्टिरॉल नहीं बनता, और अर्गस्टिरॉल जब नहीं बनता तो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस ही नहीं होती। सो इन दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी आपने याद रखना है कि टर्बिनाफाइन, आगे भी बताऊंगी कि ये स्क्वालीन हाइड्रोक्सीलेज को इनहिबिट कर देता है और स्क्वालीन की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन करता है। अब जब स्क्वालीन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो ये हाईली टॉक्सिक है, और क्या होता है कि सेल टॉक्सिसिटी की वजह से डेथ हो जाती है, सो ये बैक्टीरियोसाइडल इनएक्शन है। जबकि एजोल्स क्या करती हैं, ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती हैं, और उसको इनहिबिट करके ये अर्गस्टिरॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं। अच्छा जी, तो अजान की वजह से मैंने इसको पॉज कर दिया। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, पता नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एजोल्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करके अर्गस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होने देते, और हेंस ये भी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस नहीं होने देते। तो आई होप आपको चीजें मुश्किल नहीं लग रही होंगी, हम ऐसे एजेंट्स पढ़ रहे हैं जो किसी ना किसी वे में फंजाई को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे या डिस्ट्रप्ट कर देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने वो एजेंट्स पढ़े जो की सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को ऑल्टर करेंगे, और इनमें कौन आते हैं, इकाइनोकैंडेंस यानी कि कैस्पोफंगिन, मीका फंगिन, आगे जाके पढ़ेंगे ये ब्लू बीटा ग्लूकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके सेल वॉल को बनने नहीं देते। सेकंड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन को जो इफेक्ट करते हैं उनमें हमारे पास, इसको एटीपी से भी याद रख सकते हो, एजोल्स, टर्बिनाफीन, पॉलीइन्स जो हैं वो उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, पोलीपोल्स, ठीक है, टर्बिनाफीन और एजोल्स जो हैं डिफरेंट स्टेप्स पे अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्यूक्लिक एसिड को करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो राइबोसोम को हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो इनकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए कौन मौजूद है, 5-फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। अब देखो इसका नाम है साइटोसिन, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन होती है, तो साइटोसिन से याद रखना है ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है बच्चों। दो ड्रग्स और रह गई हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, पहली ड्रग जो है हमारे पास जो कि फोर्थ नंबर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, और जो माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके माइटोसिस को इनहिबिट करेगी ये है ग्रीसोफ्लोविन, ठीक है, ये क्या है, ग्रीसोफ्लोविन है। एंड देन हमारे पास फिफ्थ और लास्ट एजेंट्स जो है वो राइबोसोम को इफेक्ट करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे, और इनमें हमारे पास आता है टावाबिवॉल, ये जो हैं ये इसके अंदर हैं भी नहीं है, कैडजन के अंदर, लिपिन के अंदर हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है जी। तो ये एंटी फंगस एजेंट्स हैं और ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन को जो इफेक्ट करती हैं,
क्योंकि ये जरा इम्पोर्टेंट है। तो पांच कैटेगरीज आपको समझ आ गई जो डिफरेंट वेज में क्या कर रही हैं, उसकी सिंथेसिस को इफेक्ट कर रही हैं या फिर उसकी सिंथेसिस को ऑल्टर कर रही हैं। सही है, अब हम पढ़ेंगे ऐसी जो कि इफेक्ट करती हैं, इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को जो ऑल्टर करती हैं, पहले हमने वो पढ़नी है। और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर करने में जो पहला और इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है पॉलीइन्स, ठीक है। और पॉलीइन्स क्या करती हैं, ये ऑल्टर करती हैं, ठीक है, ये परमिएबिलिटी को ऑल्टर करती हैं, ये उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती। पॉलीइन्स में अभी मैंने इंपॉर्टेंट ड्रग बताई कौन सी होती है, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी इंपॉर्टेंट ड्रग है। और ये ड्रग क्या करती है पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैं समझा भी चुकी हूं। सो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो ये कि काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये एंटी फंगल एजेंट है। दूसरी बात ये है कि ये नेचुरली एक्टिंग है, और ये हमें नेचुरली अक्रिंग है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूडोसिस से मिलती है, ठीक है, कहाँ से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूडोसिस से हमें मिलती है। और ये एक बात ये है कि ये वेरी टॉक्सिक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए आम फंगल इन्फेक्शन में एम्फोटेरिसिन बी नहीं दी जाती। इसको हम देते हैं काफी स्वेयर, ठीक है, काफी स्वेयर फंगल इन्फेक्शन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। स्वेयर फंगल इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन बी है, नॉर्मली नहीं देते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन या लाइफ थ्रेटनिंग माइकोसिस में हम इसको देंगे, नॉर्मली हम नहीं देंगे क्योंकि काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, और आई विश की ऑनलाइन क्लास ही होती और मैं आप लोगों से पूछती कि जी बताएं अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो एम्फोटेरिसिन बी है ये करती है बाइंड जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके ये दो एजेंट्स बेसिकली वहां पे बाइंड करते हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वहां पे पोर क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल पोर, ठीक है। अब उस आर्टिफिशियल पोर से क्या होगा कि सारा इम्पॉर्टेंट मटेरियल, एसेंशियल कंपोनेंट जो प्रोटीन्स वगैरह हैं या जितना भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो लीक आउट कर जाएंगे, ठीक है। जब वो लीक आउट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो मेम्ब्रेनल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, और यूं फिर हमारे पास जो फंजाए है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो फंजाई की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लीक आउट कर जाएंगे। अब हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, यूजेस की बात करेंगे तो इन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या वैरायटी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस में ये यूज किया जाता है, और स्वेयर केसेस में। अब इसको याद रख लो ABCCMHC, ठीक है, ABCCMHC। ए से है एस्परजीलस, तो इसको हम यूज करते हैं एस्परजीलस से। बी से है ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस। देन सी से हमारे पास आ जाता है कैंडिडा एल्बिकेन और कोकाइडाइडस एमिनेट्स भी, ठीक है। सो कैंडिडा एल्बिकेन्स भी लिख दोगे तो हम बहुत है, कैटजन में सिर्फ एल्बिकेन्स ही लिखा हुआ है। देन सी से हमारे पास आ जाता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, उसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा और म्यूकोर में, ठीक है, म्यूकोर माइकोसिस में और हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एस्परजीलस, ब्लास्टोमाइसिस, कैंडिडा एल्बिकेन, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म, म्यूकोर माइकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। उसके अलावा कुछ एनएरोबिक रिएक्शंस में भी, एनएरोबिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स की। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसकी स्लो आईवी इन्फ्यूजन करते हैं इन द केस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है, ओरली इसको नहीं देते, ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है। और अगर जो फंजाए है उसने चला गया है और मैंने एनजाइटिस कॉज कर दिया या इनकेफेलाइटिस कॉज कर दिया यानी CNS रिलेटेड डिजीज कॉज कर दिया, तो फिर हम इसको इंट्राथीकली देते हैं क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, सो हम डायरेक्टली इसको CSF में डाल देते हैं।
उसके बाद जो है एक बात ये है बच्चों कि हम ये करते हैं, मैं आगे इसकी एडवर्स इफेक्ट में भी ये चीज रिपीट कर दूंगी कि इसकी ना अकेले देने में टॉक्सिसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको रीनल टॉक्सिसिटीज को कम करने के लिए सेलाइन सोल्यूशन के साथ मिक्स करके एडमिनिस्टर्ड कर दें, या दूसरी बात ये है कि हम इसको लाइपोजोम की फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे, यानी ड्रग अंदर होती है और इर्द गिर्द क्या होता है लिपिड लाइपोजोम होते हैं, और यूं ड्रग अंदर छुपी हुई है तो ये डायरेक्टली किसी चीज को स्पेशली रीनल सेल्स के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं आएगी और वहां टॉक्सिसिटीज नहीं करेगी। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑरली नहीं होती, इंट्रावीनियसली इन्फ्यूजन की फॉर्म में होती है, मेनिनजाइटिस और इनकेफेलाइटिस के केस में इंट्राथीकली होती है, और टॉक्सिसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है तो सलाइन या लाइपोजोम के साथ की जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल लिपिड के साथ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स ये हैं कि ये हाईली प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये प्रोटीन बाउंड है, और जब हम इसको देते हैं तो ये केराटिन्स के साथ बाइंड करती है, और केराटिन्स आपको पता है नेल्स में होते हैं, हेयर्स वगैरह में होते हैं, तो ये वहां पर आके एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये सीएसएफ में चली जाएगी, वरना इतनी ज्यादा नहीं जाती, मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है। उसके बाद अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट। यहां तक आई होप कोई मसला नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट पे, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद। तो इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसकी वजह से होने वाली जो टॉक्सिसिटीज हैं और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जो बुरे हैं, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ पांच, और फिर हम बात कर लेते हैं कि बुरे कौन से हैं। एक तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फीवर एंड चिल्स यानी बुखार होता है, ठंड ठंड लगती है, सही है। दूसरी बात ये है कि ये रीनल इम्पेयरमेंट करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, रीनल इम्पेयरमेंट करता है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड बात ये है कि ये आपके अगर इंट्राथीकली दोगे तो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करता है, ब्रेन के अंदर भी टॉक्सिसिटीज करता है। देन ये हाइपोटेंशन भी कर सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन भी कर सकता है, और थ्रोम्बोप्लेबाइटिस भी करता है, ठीक है, प्लेबाइटस भी करता है। अब बात करते हैं फीवर चिल्स का, तो आपको पता है रीनल इम्पेयरमेंट की ही डिटेल थोड़ी सी दी हुई है दोनों बुक्स में, तो उसकी बात कर लेते हैं कि क्या करता है, रीनल फंक्शनिंग को इम्पेयर करता है। रीनल फंक्शनिंग को ये किस तरह से इम्पेयर करता है, ये रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस करता है, यानी रीनल की जो टिब्यूल्स हैं उनमें एसिडोसिस कर देता है। कैसे कर देता है, ये पोटाशियम और मैग्नीशियम की आउटफ्लक्स को या ई फ्लक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इसको बहुत ज्यादा क्या करना शुरू कर देता है, बॉडी से निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बात है एक इम्पॉर्टेंट, और दूसरी बात ये है कि ये रीनल सिस्टम में आपको पता है क्या बन रहा होता है, एक इम्पॉर्टेंट एरिथ्रोपोइटिन बनता है, और ये एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में जाके सिग्नल देता है, और हेमेटोपियोसिस होती है, और स्पेशली आरबीसीज बनते हैं, तो ये एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और क्या कॉज करता है, एनीमिया भी कॉज करता है, ठीक है। सो रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस या एनीमिया कॉज करता है। अब इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, हम सिलाइन दे देंगे या लाइपोसोमल देंगे, या फिर ये जो एडवर्स इफेक्ट है ना, ये डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट है, ये आपको बुक में लिखा मिलेगा, तो हम डोज को रिड्यूस कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको इंट्राथीकली दोगे तो इंट्राथीकली ये कहां जाता है, सीएनएस में जाता है, हाई डोजेस में होगा तो ये सीएनएस में सीजर्स और ड्राउजीनेस या सीजर्स या ड्राउजीनेस वगैरह कॉज करेगा। देन वो ये कहता है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोटाशियम के लेवल्स रिलीज कर देता है, हाइपोकलीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है, और स्पेयर हाइपरटेंशन भी है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब लाइट थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। शुरू हमने किया कि हम कौन सी ड्रग्स यूज करके ट्रीट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को, जिसमें हमने पांच तरह की ड्रग्स पढ़ी, सेल वॉल इनहिबिटर होंगे, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होंगे, देन ऐसे हैं जो न्यूक्लिक एसिड को इफेक्ट करते हैं, और उनमें 5 फ्लू साइटोसिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है जो माइक्रोटिब्यूल्स को इनहिबिट करेंगे और राइबोसोम को करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में हमने पॉलीइन्स पहला ग्रुप था, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी इंपॉर्टेंट ड्रग थी, और ये आर्टिफिशियल पोर्स क्रिएट करती है, और ये यूज कर सकते हैं एस्परगिलस में, ब्लास्टोमाइसिस में, कैंडिडा में, क्रिप्टोकोकस म्यूकोर में, और हिस्टोप्लाज्मोसिस प्लस प्रोटोजोल स्पीशी के अगेंस्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि ये हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट, न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह और एनीमिया वगैरह करता है।